हेलो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे कीबोर्ड के कई कीज़ के बारे में बताने वाला हूं, जिनसे अलग अलग तरीके का काम आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको एक एक चीज़ें डिटेल में बताते हैं कि कौन से कीज़ से क्या क्या कर सकते हैं और अपने कौन से काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं जो माउस का यूज़ किए बिना भी हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों है ऑल फॉर, ये टैब एरो का बटन है, इसको क्लिक करेंगे दोस्तों तो देख सकते होंगे कि ये कोई भी टैब को ओपन कर देता है, आप देख सकते होंगे। और जब इस ऑल्ट का बटन को ज़्यादा देर तक अगर प्रेस करके रखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देने लगेगा, और टैब एरो वाले बटन को इस तरीके से जब प्रेस करेंगे जिस टैब को भी ओपन करना चाहते होंगे उसको आसानी से आप ओपन कर पाएंगे। जैसे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ या फिर मैं नोट पैड वाले को ओपन कर लेता हूँ, तो इस पर लाके क्लिक कर लिया और यहीं से मैं अल्ट वाले बटन को छोड़ दूंगा तो देख सकते हैं कि ये आ चुका है। और इसके अलावा दोस्तों और भी सारी चीज़ें हैं, अगर मान के चलिए काम कर रहे हैं और काम करते हुए आपको चाहते हैं कि नहीं मैं आपको अपने कंप्यूटर को स्विच करना चाहता हूँ और स्विच ऑफ करना चाहता हूँ, बंद करना चाहता हूँ, शट डाउन करना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है, ऑल फॉर या फोर को दबाएंगे इस तरीके से तो देख सकते होंगे कि ये आ जाता है, शट डाउन का ऑप्शन आ जाता है, इसको ओके के पे क्लिक करके आप इसको शट डाउन कर सकते हैं। अब अपना नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं कि नोटिफिकेशन कैसे पढ़ेंगे कीबोर्ड के माध्यम से, तो आप इसको विंडो प्लस ए का बटन को दबाएंगे दोस्तों तो देख सकते होंगे कि आपका नोटिफिकेशन बार खुल चुका है और यहाँ से आप आसानी से अपना नोटिफिकेशन बार को पढ़ सकते हैं, इसमें क्या क्या मैसेज आया हुआ है, क्या क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है दोस्तों। और दोबारा से इसी बटन को अगर प्रेस कर देंगे तो ये हट जाता है। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप ये विंडो प्लस एल को दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से बंद हो चुका है। ये फीचर जब यूज करते हैं दोस्तों, जैसे आप काम करते करते अगर कहीं पे जाना चाहते हैं आपका और कंप्यूटर को स्विच ऑफ नहीं करना चाहते हैं तब आप इसको यूज़ करेंगे, और यूज़ करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, आप जब भी ओपन करेंगे तो इसको आप अपना पासवर्ड डाल के और ओपन जब भी करेंगे तो वहीं से यह आपका ओपन हो जाएगा, जिस तरीके से चल रहा होगा वैसे ही आपका चलता हुआ रहेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद।